और संसद सुरक्षा चूक मामले में फरार आरोपी ललित झा के बारे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ा इनपुट मिला है। पुलिस को यह पता चला है कि ललित दिल्ली से भागकर राजस्थान के नीमराना में छिपा है। स्पेशल सेल की टीम जब नीमराना के गंडाला गांव पहुंची तो ललित वहां से फरार हो गया। इस वक्त स्पेशल सेल की दो टीमें ललित झा के पीछे पड़ी हुई है। ललित के हिसार में भागने की आशंका जताई जा रही है और इसलिए कई टीमें राजस्थान के नीमराना और हरियाणा के हिसार में छापेमारी कर रही है ताकि ललित को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। संसद में सुरक्षा चूक मामले के आरोपी ललित झा की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें वो किसी को जानकारी दे रहा था। इस चैट में वो व्हाट्सएप पर वीडियो को सुरक्षित रखने की बात भी कह रहा था। तो ये व्हाट्सएप चैट हम आपको बता रहे हैं जिसमें देखिए कि किस तरीके से ये मीडिया कवरेज देखिए इसको और ये वीडियो भेजा गया है और वीडियो सेफ रखना है। ये व्हाट्सएप चैट सामने आया है जिसमें बता रहा है वो ललित को कि वीडियो को सुरक्षित रखना है। ललित दरअसल ये वीडियो किसी को भेज रहा है और ये कहा जा रहा है कि कथित कोई एनजीओ है उसको उसने भेजा है। इसमें इसने ये वीडियो भेजा 12:51 पर। मीडिया कवरेज देखिए इसको 12:51 पर ये मैसेज करता है। सामने वाला इसको 3:46 पर ये मैसेज करता है, ठीक है ललित जी ये वीडियो कहाँ का है। यानी कि इसका मकसद एक ये भी हो सकता है कि वो ये वीडियो भेज रहा है, उसको पता है कि गिरफ्तारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए किसी और को भेज देता हूँ, कम से कम ये वीडियो सेफ रहेगा। बिल्कुल। और न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो की जो ये व्हाट्सएप चैट है इसकी पुष्टि नहीं करता है। आपको ये बता दें कि ललित ही वो आरोपी है जो अभी फरार चल रहा है, इसी ने जो कल संसद में सुरक्षा में बड़ी चूक होती है इसी ने वीडियो बनाया था और फिर ये सबके मोबाइल लेकर के ललित फरार भी हो जाता है। हालांकि ये अब व्हाट्सएप चैट सामने आया है, आपको एक बार फिर से बता दें कि न्यूज 18 इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन देखिए वीडियो को सुरक्षित रखने की बात इसमें कही जा रही है। तो ये पूरी साजिश कैसे रची गई, इसकी शुरुआत कहां से हुई और कैसे ये आरोपी संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाकर संसद भवन के अंदर पहुंच गए, इसकी पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तारीख दर तारीख जून 2022 यानी कि पिछला साल, सभी आरोपी करीब 1.5 साल पहले मैसूर में मुलाकात करते हैं। इसके बाद मार्च 2023 9 महीने बाद एक बार फिर सभी आरोपी मिले। मार्च 2023 में संसद में अराजकता फैलाने का इन्होंने प्लान बनाया था और उसके बाद मार्च 2023 में ही बजट सत्र के समय मनोरंजन डी बेंगलुरु से दिल्ली आया। मार्च 2023 में मनोरंजन डी ने विजिटर पास बनवाया उस दौरान भी, और वो संसद भवन के अंदर आता है, रेकी करता है, देखता है, समझता है चीजों को। और मार्च 2023 में ही मनोरंजन डी को पता चला कि जूतों की ठीक से जांच नहीं होती, ये पॉइंट उसने पकड़ लिया। जुलाई 2023 में सागर जो कि लखनऊ का है, जो उस दिन वहां पर सदन में नीचे कूदा था, वही लखनऊ से दिल्ली आया लेकिन संसद भवन के अंदर उसको एंट्री नहीं मिल पाई थी, उसको पास नहीं मिला। उसके बाद जुलाई 2023 में सागर ने संसद भवन के बाहर की रेकी की थी, अंदर नहीं गया वो। 10 दिसंबर सभी आरोपी दिल्ली पहुंचे, मनोरंजन फ्लाइट से दिल्ली आया था। 10 दिसंबर ललित झा समेत सभी आरोपी गुरुग्राम में विक्की और वृंदा के घर पर मुलाकात करते हैं और 10 दिसंबर को ही अमोल शिंदे महाराष्ट्र से कलर वाले पटाखे लेकर आया था। 13 दिसंबर सागर ने, यानी कि कल की ये तारीख है, सागर ने सुबह करीब 9 बजे सांसद प्रताप सिम्हा के पीए से पास मांगा। 13 दिसंबर को ही सभी आरोपी इंडिया गेट पर मिले, अमोल ने सभी को कलर वाले पटाखे बांटे। कल यानी कि 13 दिसंबर सागर शर्मा मनोरंजन डी दोपहर 12 बजे संसद के अंदर दाखिल होते हैं, अमोल और नीलम संसद के बाहर हंगामा कर रहे होते हैं। उसी वक्त ललित झा ने वीडियो बनाया और 13 दिसंबर जैसे ही हंगामा हुआ ललित सबके मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया।